बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्पेशल एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑन हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अनवर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन्स प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब यूनुस साहब, पेट्रन 12th बायनल पीएस पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रहमान साहब, माशाल्लाह जिनकी तकरीर भी मैं सुन रहा था, कन्वीनर 12th बायनल पीएससी बीटीएस प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाहकार अहमद शाह साहब, डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम अलैकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको जूम के ज़रिए भी एड्रेस कर सकूं। इत्तेफाक़ से मैं वहां पहुंच नहीं सका पेशावर में, मगर मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि वहां आपके साथ बिलमुशाफा गुफ्तगू भी करूं और फिर आपके साथ बात भी कर सकूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के सामने जो माहिर हैं कार्डियक सर्जरी के और थोरेसिक सर्जरी के, उनके सामने उनकी बात भी सुनूं। और थोड़ी बहुत बात तो मैंने सुनी, मगर वैसे भी मैं मुल्क के मामलात से वाकिफ़ हूं, इस माना कर कर के मैं पर्टिकुलरली कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी से हटकर मैं ये समझता हूं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स उरूज पर हैं। और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि उरूज पर इस माना करके हैं कि डाइट ख़राब है, उरूज पर इस माना करके रहें कि हम सेहत का ख्याल नहीं करते या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो नतीजा ये है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का बहुत बड़ा बर्डन पाकिस्तान के अंदर छोटी उम्रों के अंदर से भी शुरू हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो रहमान इंस्टीट्यूट को मैं वैसे भी मुबारकबाद देता हूँ, कदर करता हूँ कि जितनी मेहनत के साथ आपने पेशावर के अंदर ये काम शुरू किया और जो एक्सेलेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ केपी की तरफ से, पेशावर के वालों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। और यही एक्सेलेंस है जिसकी कोशिश कर कर के हम लोग पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर भी मुकाम हासिल करेंगे। और दुनिया के अंदर मुकाम तो बाद की बात है, पहले अपने लोगों के लिए उनके मसाइल के हवाले से हम उनका इलाज, मुआलजा और प्रिवेंशन पर फोकस कर सकेंगे। मैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से ये ज़्यादा आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन पर हमको तवज्जो देनी चाहिए। और हमने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा काम किया जिसको कभी कभी मेरी कौम भूल जाती है, और वो काम ये था कि कोविड के दौरान हमने लोगों तक इत्तलात पहुँचाई, लोगों तक ये बात पहुँचाई कि तीन काम का प्रचार किया कि एक तो मास्क पहनो, फिर फासला रखो और दूसरे हाथ धो, तीसरे हाथ धो। और मेरा ख़्याल ये कि हज़ारों मरतबा टेलीविज़न पर और पैम्फलेट्स के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए और तकरीरों के ज़रिए और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए ये बात पहुंचाई और पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज़ है जिसने इसका मुकाबला अच्छी तरह से किया। अमवात भी कम हुई, तो मगर उससे उस तक पहुंचने में दो चीज़ें, उससे पहले का हमारा तजुर्बा था और आगे की भी मैं बात करूँगा। पहले का तजुर्बा ये था कि पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो डेटा की बुनियाद पर काम करता रहा, उससे डेटा मिलता रहा और स्पेसिफिक टारगेटेड एरियाज़ के ऊपर जाकर काम करना या वहाँ आइसोलेशन करना, बमुकाबले इसके कि सारे मुल्क के अंदर शटडाउन हम कर दें, क्योंकि हम तो एक तरक्की करने वाला मुल्क है, अफोर्ड नहीं कर सकता कि लोग बेरोज़गार हों। तो वो वहाँ से पोलियो से सीखा टारगेटेड एक्शन और डेटा के ऊपर काम करना, और दूसरे ये कि सारी सोसाइटी मुत्तहिद हो गई। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे करने वाला हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों के हवाले से कभी कभी हमें ख्याल ही आता है कि हम सीना कोबी करते रहते हैं मसाइल के हवाले से कि ये इसमें हम फेल हो गए और उसमें हम फेल हो गए, मगर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर इसकी वजूहात को आप पहचान लें तो मुमकिन है हर शोबे के अंदर इसकी कामयाबी को हम पकड़ सकें हर अंदाज से। तो मैंने आपसे कहा कि ये तो डेटा पर काम किया, दूसरे ये जो तजुर्बा था टारगेटेड काम करने का जो हमने पोलियो से सीखा उस पर काम किया, तीसरे ये कि हमने इत्तेहाद किया, चौथे ये कि हमारे साथ उलमा मशायख मसाजिद ने भी कोऑपरेट किया। और लोग हमको ये ताना देते थे कि तुम क्या ज़्यादा मुसलमान हो कि सारी दुनिया के अंदर मसाजिद बंद है मगर पाकिस्तान के अंदर खुली हुई हैं। तो हमने उलमा और मशायख जिन्होंने पूरे अंदाज से कोऑपरेट किया। चौथी बात ये कि ये
अक्रॉस द बोर्ड बीमारी थी जिसके अंदर अमीर और गरीब के अंदर कोई फ़र्क नहीं था, लिहाजा सब लोगों ने इसके अंदर पूरा इंडल्ज होकर इसके अंदर मेहनत की प्रिवेंशन के हवाले से। अच्छा, और एक इदारा बनाया गया NCOC जिसके अंदर हमारी फ़ौज ने मेहनत की, हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, डॉक्टरों ने मेहनत की, तो वी अचीव्ड अ गुड रिज़ल्ट। तो मैं आपसे इस वजह से ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जहाँ आप डॉक्टर हजरात अपनी ट्रेनिंग के एतबार से क्यूरेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो आपको देनी चाहिए, उसके साथ साथ आप ही इस बीमारी को, कार्डियक डिजीज़ को भी सबसे ज़्यादा खुद ही पहचानते हैं। मगर ये जो पब्लिक को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि इससे बचा कैसे जाए, ये भी आप वाकिफ़ हैं कि अगर ये कन्विंसिंग हम पब्लिक को कर सकें तो आपके अस्पतालों पर भी प्रेशर कम होगा और आपका एक बहुत बड़ा मसला हल होगा। मैं इस वजह से आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि जब मैं डेंटल प्रोफेशन में गया तो मेरी तालीम ने मुझे फोकस कर दिया कि तुम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करो, तुम इलाज करो। 15-20 साल एक्सेलेंस इन एजुकेशन और एक्सेलेंस अपनी तालीम पर तवज्जो दिया और इलाज की तरफ मेहनत करता रहा। मगर आस्ता आस्ता मुझे ज़्यादा एहसास इस बात का हुआ कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को लोग निगलेक्ट करते हैं, मेरे पास आते हैं, इलाज करता हूँ, फिर वो भी निगलेक्ट होता है तो वो भी फेल होता है। तो आई केम टू द कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स कि 90% अप्रॉक्सीमेटली डेंटल डिजीज आर प्रिवेंटेबल। तो फिर मैंने फोकस करना शुरू किया प्रिवेंशन पर। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका तजुर्बा, दूसरा तजुर्बा मैं आपको बताता हूँ, आप दूसरे शाखों से आपकी तरफ ये तजुर्बे ला रहा हूँ मैं। मेरी बीवी ने ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन पर जब काम शुरू किया तो ये टाबू था, छाती का नाम टेलीविज़न पर नहीं लिया जा सकता था, मगर एक बीमारी थी जिसकी अर्ली डायग्नोसिस से इस बात का इम्कान था कि पाकिस्तान में अमवात कम हो जाए। पाकिस्तान में 50% वुमेन डाइड जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता था, जबकि दुनिया के अंदर 98% सर्वाइवल रेट है। अच्छा, वजह क्या थी? वुमेन वर कमिंग एट अ लेटर स्टेज ऑफ देयर डिजीज़। तो सिर्फ 3 मैसेजेस, जैसे कोविड में 3 मैसेजेस फैलाए गए, तो इसमें भी 3 मैसेजेस फैलाए गए। वो ये कि आप महीने में एक मरतबा अपनी छाती को पैल्पेट करो या मायना करो, और अगर अखरोट जितनी गिल्टी महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाओ। बाकी चीज़ों को प्रॉपगेट हमने कम किया, यानी मैमोग्राफी कराएं और ये कराएं वो कराएं, ये तो बात की बात है ना, मगर प्रिवेंशन का काम ये किया कि अर्ली डायग्नोसिस पर चले जाओ ताकि जान बच सके। तो इस वक्त की एनेक्डोटल और कुछ रिसर्च बेस्ड इतलात ये हैं कि औरतें जल्दी अर्ली स्टेजेस में आने लगी हैं। तो दूसरी बात मैंने आपको ये बताई। तो तीसरी, मैं मेंटल स्ट्रेस की आपसे बात कर रहा हूँ कि आजकल मैं परेशान हूँ कि माशरे के अंदर मेंटल स्ट्रेस के जो पाकिस्तान के फिगर्स हैं वो 24% हैं इस वक्त, और जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट या प्रोफेशनल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटल स्ट्रेस 60-80% है। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि मैं क्यूरेटिव एस्पेक्ट पर जाऊँ कि जी साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, जिसका एक पहाड़ है जिसको हैंडल करना, क्योंकि 600-700 साइकेट्रिस्ट हैं, 1200-1300 साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि इसका कोई हेल्पलाइन मौजूद हो, हेल्पलाइन के ज़रिए AI और IT की मदद से लोगों को कुछ गाइडेंस, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के एतबार से गाइडेंस मिलने लगे, और AI से कम ये फिल्टरिंग हो जाए कि जो लोग क्राइसिस में हैं उनको कहीं हम रेफ़र कर सकें, और शॉर्ट कोर्सेज के ज़रिए वो हेल्पर्स तैयार कर सकें जो अर्ली हेल्प देने के काबिल हो जाएं 4-6 महीने की ट्रेनिंग के साथ। तो मैं फिर आता हूँ कार्डियक डिजीज़ पर, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आपने खूब अच्छी तरह से अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर आप गुफ्तगू करेंगे कि जाहिर है इसका सबसे बड़ा क्राइसिस खुद हार्ट के ऊपर या ब्रेन हेमरेजेस के ऊपर हो सकता है, तो लिहाजा लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर हो। तो इसके ऊपर मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ KP भी इसके अंदर फुल्ली इन्वॉल्व होगी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंटर भी, और सारे प्रोविंसेस के अंदर इस बात को कि लोग अपनी सेहत का ख्याल करें। देखिए, ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि एक तरफ पाकिस्तान का ये हाल है कि गुर्बत की वजह से देयर इज़ मेल न्यूट्रिशन, देयर इज़ न्यून, यानी बच्चों का मेल न्यूट्रिशन, देयर इज़ 38-40% स्टंटिंग के बच्चों को ग़िज़ा सही नहीं मिल रही, देयर इज़
पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, जो एक नेचुरल तरकीब थी वो ब्रेस्ट फीडिंग के एतबार से जनाब वो फार्मूला मिल्क के फोकस और मार्केटिंग से जो हमारी नेचुरल चीज़ थी वो भी हमने आउटसोर्स कर दी। और WHO का कहना ये है कि 6 मंथ्स तक पानी भी बच्चे को नहीं दिया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग की जाए, दैट्स द आइडियल सिचुएशन, और जो नेचुरल चीज़ है उसको हमने अननेचुरल बना दिया। तो वहाँ मैलन्यूट्रिशन है एक तरफ, और एक तरफ ओबेसिटी है एक तरफ जनाब। तो आप इमेजिन करें कहीं मैलन्यूट्रिशन की डिजीज है तो सोसाइटी एक डिवीजन सा है जिसमें पढ़े लिखे लोग या जो जिनको मराहत हासिल है वो खा भी ज़्यादा रहे हैं और अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा भी खा रहे हैं और अनहाइजीनिक खा रहे हैं, और जहाँ नहीं है वो बेचारे मैलन्यूट्रिशन का शिकार हैं, कम स्टंटिंग का शिकार है और कमज़ोरियों का शिकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, मगर रियासत की ज़िम्मेदारी मेरे दोस्तों और डॉक्टरों जो वहाँ मौजूद हैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रियासत का फोकस भी आप ही लोग लाएंगे। अगर आप रियासत को कहेंगे कि नहीं जी सिर्फ इलाज ही ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है रियासत के जो हेल्थ एडवाइज़र्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या हेल्थ ब्यूरोक्रेसी है वो आपसे बात को सीखती है, क्योंकि आप इल्म रखते हैं, आप गाइडेंस का रुतबा रखते हैं। तो यकीनन आप क्यूरेटिव काम करते रहिए, मगर इसकी एक ज़कात निकालिए। यानी ज़कात से मेरी मुराद ये नहीं है कि अपने अपने वक्त के अंदर ज़कात के हवाले से आप लोगों को ट्रीटमेंट दें और सस्ता दें, या पैसे के एतबार से ज़कात निकालें, वो भी है। पेशे के एतबार से जिस पेशे से आप रोज़ी कमा रहे हैं उस पेशे के एतबार से कौम के लिए ये ज़कात निकालें कि कौम को आगही दें कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, कुछ ना कुछ इसके लिए मीट्रिक्स का मशवरा दें कि भाई एक मीट्रिक चल रही थी जो मैं आपसे कहता हूँ कि आजकल घड़ी और टेलीफोन के एतबार से हर एक के हाथ में है, और वो मीट्रिक ये चल रही थी कि 10,000 कदम आदमी रोज़ाना चले। 10,000 नहीं, एक फिगर उठा लिया गया था, मगर लोग ये कहते हैं कि 6,000 से 7,000 8,000 इज़ गुड इनफ, रोज़ाना लोग चलें। तो जो हमारा रूटीन था वो हमने अब गाड़ियों की नज़र कर दिया और साइकिल और ट्रांसपोर्ट की नज़र कर दिया, तो अपने नेचुरल रूटीन्स पर आएँ जो पिछले 1,00,000 साल की इंसान की इर्तिका का रूटीन है, उस रूटीन पर हमें आना चाहिए ताकि हमारी सेहत का ख्याल रहे, और ख़ास तौर पर एक मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर ये मामला हल होता रहे। तो एक तो ये कि रूटीन्स अपनी हम बेहतर करें, दूसरे ये कि फिर स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज करें। जब रूटीन्स में से हम एलिवेटर्स मुसलसल लेते हैं, तो मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं नेशनल असम्बली में, 4-5 मंजिला नेशनल असम्बली है, तो जब नेशनल असम्बली में मैं इतने साल रहा तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, एलिवेटर नहीं लेता था। अब भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि 3-4 मंजिल या 5 मंजिल तक मैं सीढ़ियाँ खुद चढ़ूँ। ये रूटीन्स हैं जिनको अपनाना चाहिए। और डॉक्टर जो है वो सबसे अच्छा, जाहिर है डॉक्टर ये भी सोच सकता है कि मेरा वक्त बचेगा, मैं मेरा वक्त कीमती है, मैं उससे बहस नहीं कर रहा, मगर अदरवाइज़ जब वक्त इतना क्रिटिकल ना हो कि यू आर गोइंग फॉर इमीडिएट हैंडलिंग ऑफ समथिंग, आप इन रूटीन्स को बदलें और लोगों को आगही दें। तो मैं मेरे दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी ये मेहनत अपनी जगह कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी में, bring excellence to Pakistan, train good people, get into cooperation with international institutions, ज़्यादा माशाल्लाह डॉक्टर रहमान जैसे और बहुत सारे लोग जो वापस आए हैं और वापस कौम की जेब में अपना इल्म डालना चाहते हैं, उनके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि ऑनलाइन इल्म, ये ज़रूरी अब नहीं है कि डॉक्टर रहमान जैसे लोग बाहर जाएं और इल्म हासिल करके वापस आए। इस वक्त सारा इल्म क्लाउड पर है, सारी टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स आर अवेलेबल ऑन वीडियो ऑफ हाउ टू डू थिंग्स। यकीनन बिल मुशाफा गुफ्तगू और बिल मुशाफा एक्सपोजर होना चाहिए, मगर ये चीज़ मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि नॉलेज इज़ अवेलेबल बट वी शुड इंश्योर दैट कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को ये आए। आज मैं किसी इंटरव्यू के लिए कुछ वाइस चांसलर्स के इंटरव्यू ले रहा था और हर एक से मैं ये सवाल कर रहा था कि सबसे ज़्यादा भूख नॉलेज की पाकिस्तान को है, क्यों पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन नॉलेज को लेने का इतना स्लो रहा मामला कि कोविड ने आकर डेलिबरेटली हालत में डालकर हज़म कराया है, तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के ऊपर और कोऑपरेशन पर भरोसा थोड़ा बहुत कर रहे हैं। यू सी इवन नाउ इट इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी इफ़ आई टेल यू कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ वेयर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि नुकसान किन वजूहात से,
अभी मुझे पता चला कि अभी तक जो 4 साल से मैं कोशिश कर रहा था ऑनलाइन पॉलिसी की, तो अभी तक पाकिस्तान में कोई ऑनलाइन पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हुई। बाहर सूरत आप इंस्टीट्यूशंस को मैं इनक्रेज करता हूँ कि इल्म के एतबार से लोगों का मूवमेंट महंगा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, पाकिस्तान में नॉट बी एफोर्ड टू सेंड पीपल आउट फॉर ट्रेनिंग, और उम्मीद करें कि डॉक्टर रहमान जैसे और बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान वापस आ जाएं, ये हमारी उम्मीद हमेशा रहेगी। हम खुद भी अपने मुल्क के हालात बेहतर करें तो लोग वापस आएंगे। तो मैं जब आप से बात करता हूँ तो आखिरी बात आपसे ये कह दूँ कि मुझे आप अस्पताल में बैठे हैं, अस्पताल के ऑडिटोरियम में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो मुझे साथ साथ इस बात का गम है कि गजा के अंदर बच्चों का जो कताल हो रहा है, बच्चों को जो शहीद किया जा रहा है, बड़ों को जिस अंदाज से शहीद किया जा रहा है, जिस अंदाज से अस्पतालों का ये हाल हुआ, उसके बावजूद इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशंस आर हैव स्टिल नॉट, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना तासुब है कि एक ज़माना था जब ऐसा जुल्म होता था और डॉक्टरों को दवाइयों के तौर पर भी देने के लिए, टॉर्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डॉक्टर स्टैंड लेते थे कि आर मेडिकल नॉलेज विल नॉट हेल्प पीपल टू पुट पीपल अंडर टॉर्चर। मैं समझता हूँ कि ये जो हिपोक्रिटिकल ओथ था, हिपोक्रेटीज़ वाला ये ओथ, ये जो मुसलमानों की हमदर्दी का जज्बा था, वो शायद दुनिया के अंदर उसकी इतनी कसर नज़र आ रही, मुसलमानों में तो है, मगर जो वेस्टर्न सोसाइटी इस बात को न मजम्मत कर रही है, जुल्म होता देख रही है, तो मैं आपके ज़रिए और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं मेडिकल कम्युनिटी में, उनके ज़रिए भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को दुनिया के फोकस में लाएँ कि साइंस जुल्म के लिए इस्तेमाल ना हो। इत्तेफाक है साइंस इंसान क्योंकि जालिम भी है, मोहब्बत भी करता है, जुल्म भी करता है, फोबियास का भी शिकार है, तो इस बात का गालिब इम्कान है कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो तो उसके एटम बम भी बनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो बमबारी, मासूमों को बमबारी वाली टेक्नोलॉजी है, इसको चाहे जितने कन्वेंशंस जिनीवा के और ये सब हों, इसकी जब मुसलमान और दुनिया, मुसलमान तो नहीं, जब दुनिया इसकी नफ़ी करने जाती है तो आप नफ़ी का आप हशर देख रहे हैं। तो वी हैव टू कम बैक टू लिविंग विद विद मोहब्बत और जो कॉन्शियसनेस है और जो आपका हीलिंग प्रोफेशन है, उसका उस प्रोफेशन की लाज रखना, दुनिया में हीलर्स को इसकी लाज रखनी चाहिए कि कितने शर्म की बात है कि अस्पतालों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बच्चों को इंक्यूबेटर से निकाल कर बिजली की कमी की वजह से वो मर रहे हैं, एंड मोर देन 11,000 पीपल हैव डाइड, जिसमें से अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। तो इस गम का इजहार करते हुए मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है, और इंशाल्लाह जब भी आपसे गुफ्तगू हुई है तो इसी अंदाज से हुई है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के बस में है, जैसे कोविड के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह से मुकाबला किया, अगर हम सब यूनाइटेड हो जाएं और अगर हम सब एक दूसरे की हमदर्दी का बीड़ा उठाएं, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी, हीलिंग एंड प्रिवेंशन दोनों का एक उरूज हो। और आप याद रखिए कि बहुत बड़े पहाड़ हैं जिनका मैं और आप मुकाबला कर रहे हैं, 2,80,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, लोग बीमार हैं जिनका आपको बहुत इल्म है, मुझसे ज़्यादा इल्म है, और चाइना जैसे मुल्क ने जब पावर्टी से लोगों को निकाला तो उसने ये तय कर लिया कि अच्छी सेहत और अच्छी तालीम के बगैर दुनिया, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, औरतों की पार्टिसिपेशन के बगैर कोई मुल्क दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों और बहनों, जितने लोग भी वहाँ मौजूद हैं, आई होप वी कैन इंस्पायर ईच अदर टू मेक द कंट्री अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री एंड विच इज़ डेफिनेटली पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम।